हेलो दोस्तों, राधे राधे। और अब नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। ये देखिए मैंने अपने मंदिर को कैसे सजाया है और मेरे नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं। आप लोगों के भी शायद व्रत चल रहे होंगे और आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे मोबाइल में ख़राबी होने के कारण मेरे सारे वीडियो एक दो दिन लेट ही जाते हैं। और आज मैं बना रही हूँ व्रत के लिए सबके लिए लौकी और आलू और सिंघाड़ा आटा और राजगिरा आटा मिला के ये छोटे छोटे पैनकेक। ये बहुत ही सरल है। ये देखिए आलू और लौकी को किस के बढ़िया अच्छे से मैश कर लिया और साइड में मैंने थोड़े से साबूदाने गला दिए हैं शाम के लिए। और इन सब में ये मिला लिया सिंघाड़े का आटा। साबूदाने को थोड़ी देर पानी में भीगने के बाद फिर इसको निकालते हैं तो साबूदाने बहुत अच्छे से गल जाते हैं, फिर एकदम खिली खिली खिचड़ी बनती है। आप लोग भी थोड़ी देर पानी में रहने दीजिएगा। और ये सिंघाड़ा आटा और राजगिरे का आटा, इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें सेंधा नमक, हरी मिर्ची, हरा धनिया, अगर आप चाहें तो कुछ और भी जैसे गाजर या खीरा वो भी किसके डाल सकते हैं। ये इस तरह से पेस्ट बन गया और इसकी हाथ से ऐसे छोटे छोटे टिक्की करके तवे पे या नॉन स्टिक अगर आपके पास है तो उस पर बना लीजिए। देखिए ये मेरी बढ़िया छोटी छोटी टिक्की कुरकुरी कुरकुरी। और लौकी डालने से क्या होता है कि ज़्यादा आलू नहीं डालना रहता है क्योंकि घर में आलू ये अभी अच्छे से सिका नहीं है, इसको मैं बाद में निकालूंगी। ये देखिए ये इनमें आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं या घी लगा लीजिए। आप इसे मूंगफली की चटनी के साथ या दही की चटनी के साथ जिससे भी लेना चाहते हैं। और ये बहुत जल्दी और अच्छा हेल्दी फास्ट के लिए बन जाता है। और आप लोग भी इसको ट्राई करके देखिएगा और कैसा लगा बताइएगा। हैप्पी नवरात्रि।